नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल देख रहे हो आप लोग, विनोद कुमार 007। आज हम आपको दिखाएंगे अपने गुड़हड़ का जो हमारा पौधा है उसको हमने हेल्थ कैसे मेंटेन करी हुई है। ये देखिए हमारा एक गुड़हड़ का पौधा है, ये इंडियन वैरायटी है, हाइब्रिड नहीं है, ये देसी वैरायटी। आज देखिए इसमें 8 फ्लावर आए हैं, ये बड्स है जो अभी फ्लावरिंग करेंगे। बहुत हेल्दी पौधा है हमारा, ये देखिए बर्ड्स लगे हुए इसमें। अभी ये फ्लावरिंग 1-1.5 घंटे में इसका फ्लावर बन जाएगा। और ये देखिए इसके फ्लावर के जो हमारे जो पेड़ के पत्तियां कितना हैवी है। ऐसे अब 24 इंची या 26 इंची के गमले में आप गुलहड़ का पेड़ अपने टेरिस पे लगा सकते हो। ये देखिए क्लियरी नहीं सुंदर और नेचुरल कलर है। इस पौधे के अंदर हमने कोई भी बाहर से खाद यूज़ नहीं करी है, एक सिर्फ गोबर की खाद यूज़ करी है, बाकी सारा हम लोग इन हाउस किचन वेस्ट यूज़ करते हैं। लास्ट वीक कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, पत्तियां पीली पड़ने लगी थी, तो उसके लिए भी हमने इसमें कुछ, ये देखिए एक बार से किया रहा, ये प्यारे से कलर का है। इसकी लाइफ सिर्फ एक दिन होती है, इवनिंग में ये क्लोज हो जाएगा। और इन बर्ड्स को भी हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, इसके जितने भी फ्लावर हो जाते हैं शाम को उसको हम लोग अगले दिन मॉर्निंग में तोड़ के और किसी गमले में दबा देते हैं, वो खाद का भी काम करता है। ये देखिए एक बर्ड्स हो रहा है। आज हमारे इस सीजन में मई के महीने में जो है, आज 30 मई है, सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग आई है। आज 7 या 8 फ्लावर मैंने काउंट नहीं किए हैं। अभी हमारे कल 2 आए थे, उससे पहले भी 2 आए थे, उससे पहले 1 आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा आज हमारे 8 फ्लावर आए हैं। ये सब हमने कल इसमें कुछ लास्ट वीक में कुछ केले का प्यूरी बना के ग्राइंडर करके इसके में डाला था, और कुछ आयरन की कमी थी तो लोहे की कील वगैरह डाली थी, और हमने एक लोहे का हमारे पास एक पार्ट था, हमने उसको उठा के डाल दिया गमले में, इसमें बड़ा रहेगा और खाद बनती रहेगी, इसकी जो भी आयरन की कमी है पूरी हो जाएगी। ये देखिए इतना सुंदर प्यारे सा है बर्ड्स, देखिए इसमें लगा हुआ है। ये देखिए अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग इसके शूट कर रहे हैं फिल्म। ये देखिए कितना प्यारा सा है, 1-1.5 घंटे में फ्लावर बन जाएगा। ये पत्ते देखिए कितने प्यारे हैं, नेचुरल कलर है, शाइनिंग भी है इन पत्तों पे। इन पत्तों पे अभी मैं कल डिटोल का घोल बना के भी स्प्रे किया था ताकि इसमें कोई कीटाणु वगैरह ना लगे जिससे पौधे की हेल्थ ख़राब हो। हम लोग इस पेड़ को डेली शाम को वॉश करते हैं और पानी देते हैं। ये देखिए हमारे बर्ड्स लगे हुए इतने सारे, ये देखिए प्यारा सा बर्ड्स है। अब ये फ्लावर बन जाएगा 1-1.5 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे में बन जाएगा सर। 7 बज रहे हैं, 8 बजे तक, 7:30 बजे तक ये फ्लावर बन जाएगा, ये प्यारे लग रहे हैं। आप भी देसी वैरायटी लगा सकते हो, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। लोग हाइब्रिड भी लगाते हैं लेकिन उसका पेड़ छोटा सा ही होता है, गमले में ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। अब ये हमारा पौधा है, 5 फुट का पौधा है, हेल्दी पौधा है, और पॉट भी हमने अभी लास्ट ईयर चेंज करके बड़े पॉट में किया था इसको, तो अभी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और लास्ट वीक मैंने प्रूमिंग करी थी, कुछ डेड कुछ वेस्ट थी इसकी शाखाएं, उसको मैंने काट दिया था। इसमें देखिए एक फ्लावर हमारा जो एक पत्ता पीला है, इसको हम तोड़ देंगे। इससे आइडिया लग रहा है कि आयरन की कमी हमारी धीरे धीरे पूरी हो रही है। पहले तो बहुत पत्ते निकलते थे पीले, लास्ट वीक हमारे करीब 50-60 पत्ते थे जो पीले हो गए थे। अब 2 पीस हैं हमारे, 2 से 3 पीस हैं जो हम निकाल लेंगे इसको। गुड़हड़ के पौधे को हेल्थी रखने के लिए आपको डेली केयर करनी पड़ेगी इसको, तभी आप इस पे अच्छे फ्लावर ले सकते हैं। इसकी डेली केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं, देखिए कितना हरा भरा हो रहा है हमारे। इसमें आप
कैल्शियम के लिए आप इसमें हमने जो अंडे के छिलक होते हैं वो भी दबा रखे हैं, इसको साबुत ही दबा दिए थे हमने अंडे के छिलके। ये देखिए हमने एक लोहे का टुकड़ा, बड़ा लोहे का टुकड़ा रख दिया है, नीचे थोड़ा सा ज़मीन में है और इसमें पानी भी भरा हुआ है। तो इससे क्या कि इसमें लोहे की जितनी मात्रा की ज़रूरत है यहाँ से अब पेड़ खुद ही कलेक्ट करता रहेगा। इसी प्रकार हम लोग सब गमले में अभी कीलो वाला दबा रखी है ताकि जो आयरन है उसकी पूर्ति हो पाए। लास्ट से लास्ट वीक हमारे काफ़ी पौधे ख़राब हो गए थे तो हमने थोड़ा अभी नॉलेज को इम्प्रूव किया है ताकि हम अपनी बागवानी को अच्छा कर सके। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है, ये आधे से एक घंटे में फ्लावर बन जाएगा। मैं अभी टेरेस पे हूँ, 10 मिनट या आधे घंटे के बाद मैं एक नया छोटा सा शूट करके वीडियो भेजूँगा। ये देखिए एक पत्ता और है हमारा येलो कलर का, काफ़ी कम हो गए हैं इसमें, ये तो पहले बहुत ज़्यादा थे। आप अपने घर में भी एक 24 इंची के पॉट में अड़हुल या गुड़हल का पौधा, देसी पेड़ लगाइए, अच्छी फ्लावरिंग आएगी। हाइब्रिड भी अच्छा है, मल्टी कलर है उसमें, वो भी लगा सकते हो आप, जैसी आपकी चॉइस है। ये देखिए हमारा हमने इसको बांध भी रखा है रस्सी से ताकि हवा चले तो इसकी जड़ें हिले ना। ये देखिए लोहे का हमने टुकड़ा रख दिया एक, इसे पानी भर के, और जब भी हम पानी देंगे तो इसी में भर देंगे, ओवरफ्लो होके अपना गमले में जाएगा और कुछ हिस्सा इसका ज़मीन में भी है ताकि। ये देखिए किचन वेस्ट भी हमने यूज़ किया हुआ इसमें, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, ताकि इनके अलग अलग हमारा जो पौष्टिक है मिल पाए। पालक वगैरह के भी छिलके हम लोग यूज़ करते रहते, सारे पौधे में सेम देते रहते हैं। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इस प्रकार के मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा। देखिए हमारा जो गुलहड़ का पौधा है बहुत हेल्थी है, अच्छी फ्लावरिंग है इसमें। ये देखिए फ्लावर का साइज़ अभी थोड़ा बढ़ रहा है, साइज़ इसका बढ़ना शुरू हो गया प्यारा सा। आप नर्सरी से परचेज कर सकते हैं, 50-60 रुपये में एक पौधा मिल जाएगा, इसको लगाइए और कमिट करिए। इसकी ग्रोथ में अगर कोई इशू आ रहा हो, क्या खाद देनी है क्या नहीं देनी है, किचन वेस्ट से आप कौन सी खाद बना के इनको दे सकते हो, ये कमिट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। फ्लावर अच्छे हैं इसमें, देखिए अलग अलग हमारे फ्लावर देखिए अंदर तक भी लगे हुए हैं। देखिए ये देखिए कितने अंदर तक लगे हुए हमारे फ्लावर, ये देखिए अच्छे फ्लावरिंग है इसमें, आप भी लगाइए। अभी हमारे पास गुलहड़ के दो पौधे हैं, एक देसी है और एक हाइब्रिड है। एक देसी और लेके आएंगे, बड़े गमला खरीदेंगे तो अच्छा है। अभी काफ़ी फ्लावर के पेड़ है हमारे पास। धन्यवाद दोस्तों मेरा चैनल देखने के लिए, थैंक यू।